चलिए आगे हम बात करते हैं। सॉरी मिटा दिया हमने इसको। जो तीसरा हमारा पार्ट है वो है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करेंगे। देखिए इसमें जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैज और हैव, और मेन वर्ब जो भी आएगी उसकी थर्ड फॉर्म। ये वर्ब्स तो आपको अलग से याद करनी पड़ेगी। आईएनजी तो आप लगा सकते हो, लेकिन कुछ वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए इसमें हैज और हैव आता है। अब यहाँ जो हैव है वो आता है हमेशा प्लूरल के साथ में, बहुवचन के साथ में, और जो हैज है वो सिंगुलर के साथ आता है, एक वचन के साथ। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मैं सेंटेंस बनाती हूँ, आई। अच्छा एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ तो आई के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन अब यहाँ जो आई आएगा और वो जो है वो हमेशा प्लूरल वाली वर्ब लेगा। ये अपने आप में एक एक्सेप्शन है, क्योंकि भाई हम बड़े आदमी हो जाते हैं, अपने आप में आई को जो है वैसे इगोइस्टिक वे से लेते हैं, मैं बड़ा आदमी, मीनिंग ये अपने आप में देखो सिंगुलर होके भी प्लूरल की वर्ब ले रहा है। तो ये ध्यान रखना कि जो है आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। मोहन कंप्लीटेड हिज वर्क, या क्लास कुछ भी कह सकते हो। तो ये जो है ये देखिए मोहन के साथ है जाया है, और इसके अलावा यहाँ आई के अलावा वी होता क्योंकि वी प्लूरल है, दे होता क्योंकि दे भी प्लूरल है। तो आई के साथ वी है, यू है, दे है, ये इनमें से कोई भी होता क्योंकि ये सारे ये प्लूरल है, तो यहाँ भी क्या हो जाता, हैव का यूज होता। अब यदि हमें इनका नेगेटिव बनाना है तो हम इसी के साथ नॉट का यूज कर देंगे, और इंटरोगेटिव बनाना है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है उसको स्टार्टिंग में ले आएंगे, यहाँ नॉट का यूज कर देंगे। ये हुआ आपका परफेक्ट टेंस, जिसमें क्या होता है जो है और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। अब ये क्या बताता है कि कोई भी काम कंप्लीट हो गया, ये किसी भी काम को हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो इसमें जो हैज बीन, हैव बीन, और मैन वर्ब में वही आई एन जी, और टाइम बताने के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। सिंस हमेशा डेफिनेट टाइम के लिए, जिसे आप निश्चित कह सकते हो, निश्चित समय के लिए, और फॉर हमेशा इनडेफिनेट टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए यूज किया जाता है। तो हम सेंटेंस बनाते हैं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर last 2 days।
यहाँ आपको क्या करना है, सिंस या फॉर में से कुछ ना कुछ यूज करना है। अब आप देखें कि लास्ट टू डेज है, लेकिन कौन से लास्ट टू डेज है, क्या फिक्स है? लास्ट टू डेज तो संडे मंडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेनसडे भी हो सकता है, तो कौन सा वाला लास्ट टू डेज? तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये हमेशा फोर लेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास टू डेज, फोर डेज, टू ईयर्स, फाइव ईयर्स, टेन ईयर्स, ये सारे के सारे अपने आप में अनिश्चित है, इसमें कोई फिक्स डेट टाइम। देखो या तो हमें क्या मिलेगी, इसमें फिक्स डेट मिलेगी, टाइम मिलेगा, डे मिलेगा या ईयर मिलेगा, ठीक है? अब जब हमें ये फिक्स ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन से लास्ट टू डेज थे? अब यहां मैं यदि ये कहूं लास्ट मंडे, या मैं डेट लिख दूं ऑन या फ्रॉम 21st मई, अब यहां मैं डेट लिख रही हूं तो हमारे पास फिक्स है, तो यहां क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। और यदि फिक्स नहीं है, टू डेज, फाइव डेज, टू मंथ, फोर मंथ, हाँ एक मैंने छोड़ दिया, यहां मंथ का भी आ सकता है, तो ये सारे के सारे क्या है, किसमें आएंगे, सिंस और फोर को हम बताने में यूज करेंगे। थोड़ा सा होच पोच हो गया है, मैं नेक्स्ट टेंस के साथ आगे ले लेती हूँ, आप उसी टेबल में आगे बनाते रहना, यदि क्लास में वीडियो के साथ साथ आप लिख रहे हैं तो। जैसे उस
उसमें डस साइज में डिड नॉट प्लेड, सॉरी यहां जब हम डिड सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे क्योंकि ये डू की सेकंड फॉर्म है डिड, तो यहां फिर मैन वर्ब की ये ध्यान रखिएगा इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो है उन दोनों में जो मैन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी क्योंकि डिड पहले यूज हो जाएगा, डिड अपने आप में क्या है सेकंड फॉर्म है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और अफर्मेटिव में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो देखिए डिड नॉट प्ले बैडमिंटन, ठीक है। परफेक्ट जो है परफेक्ट में हमें क्या यूज करना है, अब इसी में सॉरी पहले ये और देख लीजिए डिड ही प्ले बैडमिंटन। अब जो परफेक्ट टेंस है परफेक्ट में हमें क्या लेना है, पास्ट का परफेक्ट है इसलिए इसमें ओनली हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो मैं सेंटेंस बनाती हूं आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क। अब आप ये कहेंगे कि मैम हैड कंप्लीटेड हमने उसमें है कंप्लीटेड लिख दिया, इसमें हैड कंप्लीटेड लिख दिया, आखिर में डिफरेंस क्या है? तो देखिए जब मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये जो प्रेजेंट वाले हैज और हैव हैं उनका भी पास्ट है, तो जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस आएगा पास्ट परफेक्ट का तो ये ध्यान रखिएगा कि उसके साथ में ही प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस आपको एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा। पहले प्रेजेंट परफेक्ट आएगा और फिर उसका पास्ट बताने के लिए पास्ट परफेक्ट आएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस बना के बताती हूँ, हालांकि इसकी यूजेज हम बाद में एक साथ पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ बेसिक आपको कि कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मैन वर्ब कौन सी होती है और उनके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं इतना ही बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का ये बेसिक भी क्लियर नहीं है और हम आगे यूजेज की बात करें उससे पहले ये बेसिक क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं इसे पहले बता रही हूं। तो देखिए द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब आप देखिए दो वर्क एक साथ हो रहे हैं, एक तो क्या हो रहा है ट्रेन छूट रही है और दूसरा मैं स्टेशन पहुंच रहा हूं या पहुंच रही हूं, तो अब दोनों काम जब एक साथ हो रहे हैं तो इनमें जो काम पहले होगा वो ज्यादा पुराना हो जाएगा। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट जैसे ये वर्तमान है, ये आज के टाइम की बात है, ये वर्तमान है, अब जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है ये इससे थोड़ा ही पुराना होगा। अच्छा तीन टेंस को मैं एक ही साथ बता देती हूँ आपको, आप थोड़ा सा इसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं एक टाइम का डायग्राम बना रही हूँ, आपके पास ये टाइम का डायग्राम है, ये यहाँ जो सुई है ये प्रेजेंट की है, किसकी है प्रेजेंट की है। अब इससे बिल्कुल यहां जस्ट अभी अभी कोई कार्य कंप्लीट हुआ है, वरना बहुत कंफ्यूज करते हैं ये तीनों टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट, क्योंकि तीनों का मीनिंग एक ही होता है कि काम पूरा हो गया। अब काम पूरा तो हो गया लेकिन जब हम हमारे पास ब्लैंक फिलिंग इन द ब्लैंक्स वाले सेंटेंस जो आते हैं जिनमें आपको वर्ब फिल करनी पड़ती है उस जगह पे ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसे थोड़ा सा अच्छे से समझिए। अब ये मैंने डायग्राम बनाया कि ये हमारे पास ये जो सुई है ये प्रेजेंट की है, अब इसके जस्ट पहले कोई कार्य कंप्लीट हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है, जैसे मैंने खाना अभी अभी खाया है,
हुआ है, तो ये ध्यान रखना कि जो अभी अभी कार्य हुआ है उसका आपको सेंटेंस में कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाया जाएगा प्रेजेंट पे। जैसे मैं कहूं किसी से कि आइए खाना खाते हैं, अब आइए खाना खाते हैं, तो सामने वाला क्या कहेगा? नहीं, मैंने अभी अभी खाया है। अभी अभी खाया है का मीनिंग क्या है? यहाँ सेंस समझिए कि मेरा पेट भरा हुआ है, जो खाना अभी अभी खाया था उसका प्रभाव अभी तक है, कि अभी तक मेरा पेट भरा हुआ है, मैं और नहीं खा सकता। इट मीन्स क्या है? काम अभी अभी पूरा हुआ है, जस्ट नाउ, ये इस तरह के वर्ड्स इसमें जो है यूज किए जाते हैं। टाइम एडवर्ब की हम बात करेंगे, अभी हमें इसे खोल के पढ़ना है। ये तो मैं सिर्फ आपको एक बार थोड़ा सा इनकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बता रही हूँ। फिर जो थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये वाला जो टेंस है, यहाँ कौन सा टेंस हमने यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो देखिए, अभी जैसे हम हमारे घर में ये चीज जरूर होती है, बेसिक लाइफ से आप चीजों को जोड़ के देखिए कि खाना बन रहा है तो खाने में कुछ चीजें कॉमन होती है। मान लीजिए दाल बन रही है, अब वो दाल जो है मैं कहूँ कि अभी सुबह सुबह फिर खाने में दाल खा लेते हैं, तो सामने वाले का रिप्लाई होता है, नहीं जी, हमने तो रात ही खाई है, कल रात खा चुके। इट मीन्स क्या है? पास्ट थोड़ा सा पुराना हो गया, या रिसेंटली हमने किया है, कुछ टाइम पहले ही किया है, तो यहां जो है पास्ट सिंपल और इससे भी पुराना। यदि कोई कार्य है इससे भी पुराना है तो वो आएगा पास्ट परफेक्ट में। अब इसका तो कोई लेन देन नहीं है, ये तो अकेला ही आता है, लेकिन ये दोनों जो हैं कौन कौन से, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट जो है, ये सेंटेंस दोनों जब भी एग्जाम में आते हैं, क्योंकि इनमें से किसी एक, ये अकेला यदि आ रहा है तो आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये अकेला आ रहा है तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये अकेला नहीं आता, 90% तक ये अकेला नहीं आता। ये जब भी आएगा तो इससे पहले इसे आइडेंटिफाई करवाने के लिए, हमें हिंट देने के लिए पास्ट सिंपल का यूज करेगा ही करेगा एग्जामिनर। तो ये ध्यान रखना कि ये कार्य पहले हो गया, ये बाद में हो रहा है, सॉरी उल्टा बोल गई, ये कार्य जो है पहले हो चुका क्योंकि ये और पुराना है, और ये कार्य जो है ये थोड़ा बाद में हुआ है। देखिए, अब देखिए, आई हैड लेफ्ट द ट्रेन, हैड लेफ्ट, ट्रेन जो है दो काम यहाँ हो रहे हैं, एक तो ट्रेन छुटकी जा रही है और दूसरा जो कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है कि हम स्टेशन पहुंच रहे हैं, तो ट्रेन जो है वो थोड़े पास्ट में, मतलब थोड़ी देर पहले ही चली गई, जब मतलब हम जब स्टेशन पहुंचे उससे थोड़ी देर पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, तो स्टेशन पहुंचने वाला कार्य बाद में हुआ और ट्रेन पहले निकल गई। तो कहने का मीनिंग पास्ट तो दोनों ही है, देखो हम भी पहुंच गए, ट्रेन भी चली गई, लेकिन ये कार्य थोड़ा पहले हो गया, इससे पहले हो गया। चौथी मैं बात करूं परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो देखिए इसमें कोई हैड बीन और मैन वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसमें आईएनजी, तो सेंटेंस सिंपल आप बना सकते हैं कि आई हैड बीन, इसमें भी दोनों टेंस साथ में आते हैं, यदि हैड बीन का यूज हो रहा है तो भी आपको या तो पास्ट कंटिन्यूअस साथ में मिल सकता है या फिर पास्ट सिंपल साथ में मिल सकता है। देखिए, जैसे मैं कहूं माई मदर या इसमें कई बार जो है वुड का यूज किया जाता है, या हम गैस करते हैं, जैसे कि इस टाइम पे मेरे घर पे कुछ ऐसा चल रहा होगा तो माई फैमिली had been
लंच इस तरह का सेंटेंस आपके इस टेंस में यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम टेंस की बात करते हैं, फ्यूचर टेंस। देखिए सबसे पहले मैं इनकी हेल्पिंग वर्ब लिखती हूं। सिंपल में जो है शैल एंड विल, और मैन वर्ब की क्या आती है, बेस फॉर्म आती है, जिसे आप फर्स्ट कहते हैं ऑलरेडी, वो बेस फॉर्म आती है। इसमें जो है शैल बी विल बी, और वही मैन वर्ब में आईएनजी, इसमें शैल हैव और विल हैव, वही परफेक्ट है इसलिए मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें जो है शैल हैव बीन विल हैव बीन। देखिए टेंस में जो है शैल आई और वी के साथ यूज होता है, और विल जो बाकी बच गए ही शी इट दे और किसी का नाम, इन सब के साथ विल का यूज किया जाता है। बाकी सेंटेंस बनाना हमने सीख ही लिया है कि कोई भी टेंस है तो उसमें बात करेंगे तो मैन वर्ब बीच में कैसे लगाई जाती है, ये मैंने आप लोगों को सिखा दी। अब फ्यूचर के लिए भी आपको वैसे ही यूज करना है, इसमें आपको ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इनके यूजेज जो है हम अगली क्लास में बात करेंगे पर टेंस वाइज। और नेक्स्ट क्लास में बैठने से पहले आपको कम से कम ये सारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो याद होनी ही होनी चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और कौन सी मेन वर्ब का यूज किया जाता है। आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे, आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग इसे पढ़कर जरूर आइएगा। और क्लास कैसी लगी, पहले की बजाय इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।